भारतीय टीम का 8वीं बार एशिया का चैंपियन बनने का सपना टूट गया है। ग्रुप स्टेज में अपने दोनों मुकाबले जीतने वाली टीम सुपर फोर में दोनों मुकाबले हारकर टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर खड़ी है। पहले चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान और फिर श्रीलंका के हाथों हारकर टीम इंडिया अब फाइनल की रेस से बाहर हो गई है। लेकिन यह सब कैसे हो गया? आखिर ये अनहोनी कैसे हो गई? कल तक जो टीम खिताब की प्रबल दावेदार थी, आज टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर कैसे पहुंच गई? इसकी वजह क्या है? कौन है एशिया कप के मुजरिम? क्या पूरी टीम जिम्मेदार है या फिर कुछ खिलाड़ी? आइए विस्तार से जानते हैं। जब से रोहित शर्मा ने टीम की कमान संभाली है और राहुल द्रविड़ कोच बने हैं, टीम में कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहे हैं। टीम ने पिछले 10 महीनों में 5 से अधिक कप्तान देख लिए हैं। सीनियर खिलाड़ियों को आराम दे दिया गया, ज्यादा से ज्यादा युवा खिलाड़ियों को मौका देने की बात कही गई। इसके अलावा टीम की मानसिकता पर भी खूब सारी बातें की गई और वो मैदान पर दिखा भी। लेकिन लगने लगा कि अब टीम इंडिया विश्व में किसी भी टीम को हरा देगी। लेकिन एशिया कप सुपर फोर स्टेज में आखिर ऐसा क्या हो गया? वर्ल्ड कप जीतने का दम भरने वाली टीम एशिया कप के फाइनल में भी नहीं पहुंच सकी। आखिर क्यों और कैसे? श्रीलंका के खिलाफ हार किसी भी भारतीय फैन को नहीं पच रहा है। सवाल चयनकर्ताओं से भी पूछे जाएंगे और कप्तान और कोच को भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अब कुछ जरूरी सवालों पर आते हैं। सवाल नंबर 1, आपने दीपक हुड्डा को खिलाया ठीक, लेकिन आपने उन्हें नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने भेजा, जो फिनिशर डीके का स्थान है। आपने हुड्डा को टॉप ऑर्डर के लिए तैयार किया था और डीके को क्यों रखा भाई? वो तो फिनिशर ही है ना, उसी के लिए तैयार किए गए हैं। उन्होंने आईपीएल में भी इसी स्थान पर अपनी टीम आरसीबी को कितने मैच जितवाए हैं। दूसरी बात, आपने हुड्डा को खिलाया, वो गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन आपने उनसे ना तो पाकिस्तान के खिलाफ और ना ही श्रीलंका के खिलाफ एक भी ओवर करवाया, जबकि श्रीलंका के जो 4 विकेट गिरे थे सभी स्पिनरों ने ही लिए थे। सवाल नंबर 2, आपने एशिया कप के शुरू होने से पहले 5 अलग अलग ओपनर ट्राई कर लिए थे, लेकिन एशिया कप में आपने उनसे ओपन करवाया जो आईपीएल के बाद एक भी T20I नहीं खेले हैं। केएल राहुल आईपीएल के बाद इंजर्ड हुए और सर्जरी कराने जर्मनी चले गए। एशिया कप से पहले उन्होंने बस जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली थी। सवाल नंबर 3, आपने भुवनेश्वर कुमार को पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए तैयार किया और एशिया कप में आपने उन्हें 2 ओवर डेथ के दे दिए, ऐसा क्यों किया आपने? आपने पाकिस्तान के खिलाफ भी वही किया और श्रीलंका के खिलाफ भी सेम गलती दोहराई। आपने दोनों मैचों में अहम 19वां ओवर उन्हें दे दिया और वो दोनों बार बुरी तरह विफल रहे। विरोधी टीम ने उसी ओवर में मैच को अपनी तरफ मोड़ दिया। सवाल नंबर 4, आपने मोहम्मद शमी को क्यों नहीं चुना? जैसा आपको पता ही है, एशिया कप में हमारे पास जसप्रीत बुमराह नहीं थे और ना ही हर्षल पटेल। आपने गेंदबाजी क्या चुनी? कोई भी तेज गेंदबाज नहीं, सारे मीडियम पेसर, कोई आक्रामकता ही नहीं। हाँ, आपने आवेश खान को रखा, लेकिन सुपर फोर के दोनों मुकाबलों में वो कहाँ थे? 30 तेज गेंदबाज जो मेरी नज़र में हैं, जिनमें से एक को तो एशिया कप में रहना ही था, लेकिन आपने किसी को नहीं चुना। तीनों ने आईपीएल में बेहतरीन गेंदबाजी की थी। पहले नंबर पर मोहम्मद शमी हैं, दूसरे पर मोहम्मद सिराज और तीसरे नंबर पर उमेश यादव हैं। तीनों ही तेज और आक्रामक गेंदबाज हैं। तो एशिया कप के सबसे बड़े गुनाहगार कौन हैं? हमारे हिसाब से तो कई गुनहगार हैं। पहले नंबर पर तो मैं हमारे अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को ही रखूंगा, जिन्हें हम व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट भी कहते हैं। सुपर 4 के दोनों मैचों में आप विफल रहे और टीम की लुटिया डुबोई। पाकिस्तान के खिलाफ आपने 19वें ओवर में 19 रन लुटा दिए और श्रीलंका के खिलाफ भी 14 रन दे दिए। दोनों ही मैचों में आपने युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के लिए सिर्फ 7 रन छोड़े। शर्म की बात है, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरे नंबर पर मैं रखूंगा हार्दिक पांड्या को। सिर्फ पहले मैच को छोड़ दें तो आप बताइए हार्दिक ने किस मैच में कमाल किया? कॉन्फिडेंस तो आप ऐसे दिखाते हैं जैसे आप हर बॉल पर ही विकेट ले लेंगे और आपसे बड़ा कोई खिलाड़ी ही नहीं है।
लेकिन हार्दिक जी, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस क्या करती है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। स्टार ऑलराउंडर जिन्होंने नई नवेली टीम को अपनी कप्तानी में डेब्यू सीजन में ही चैंपियन बना दिया, एशिया कप सुपर फोर में आप बुरी तरह फ्लॉप रहे, पाकिस्तान के खिलाफ आप शून्य पर आउट हुए और गेंदबाजी में इतने महंगे साबित हुए, श्रीलंका के खिलाफ भी आपका वही हाल रहा। पता नहीं आपसे इतनी उम्मीदें क्यों रख लेते हैं हम और क्यों भूल जाते हैं कि यह आईपीएल नहीं है। तीसरे नंबर पर रखूंगा ऋषभ पंत को। आपके बारे में क्या कहूँ, आपके फिटनेस पर क्या कहें, ये तो जग जाहिर हो गया, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ विकेट के पीछे से जोर जोर से चिल्लाना जानते हैं। जब मौका आया तो आपने सामने वाली टीम को तोहफा दे दिया। आप एमएस धोनी को अपना आदर्श कहते हैं, लेकिन जरा उनको फॉलो भी किया कीजिए। धोनी की फिटनेस देखिए जनाब, उन्होंने एक बार बांग्लादेश के खिलाफ दौड़कर रन आउट कर दिया था और भारत ने वह मुकाबला एक रन से जीत लिया था। आप सभी को तो मैच जरूर याद होगा और हमारे पंत भाई साहब ने श्रीलंका के खिलाफ स्टंपिंग का मौका भी गवा दिया और रन आउट भी छोड़ दिए। अब जनाब की बल्लेबाजी पर आते हैं। आपने पाकिस्तान के खिलाफ कितना बढ़िया शॉट खेला था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आपके शॉट पर किसी भारतीय फैन ने वाहवाही नहीं की। हाँ, पाकिस्तान की टीम और फैंस काफी खुश हुए। मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने वो रिवर्स स्वीप किसके लिए खेला था, भारत के लिए या पाकिस्तान के लिए। फिर श्रीलंका के खिलाफ भी आपने कितना अच्छा शॉट खेलकर अपना विकेट गवाया। भाई वाह, विकेट गिफ्ट करना कोई आपसे सीखे। चौथे नंबर पर रखूंगा केएल राहुल को। आईपीएल में लीडिंग रन स्कोरर में से एक केएल राहुल आपको टीम इंडिया की जर्सी में क्या हो जाता है। चार मैच बहुत होते हैं, लेकिन चारों मैचों में आपका वही अंदाज रहा। आप में रनों की भूख ही नहीं दिख रही थी। क्या सिर्फ आईपीएल में आपको भूख लगती है? अब आते हैं हमारी टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर। भाई कप्तान आप हो तो आपको तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी। रोहित दादा, आप बड़े कंफ्यूज लग रहे थे और काफ़ी प्रेशर में भी। दादा कूल रहो ना, धोनी के साथ आप कितना खेले हो, उन्होंने ही आपको ओपनिंग भेजा था, उनकी कप्तानी देखो। अभी समय है, आगे T20 वर्ल्ड कप है, इसलिए कह रहा हूँ। रोहित जी, आप बल्लेबाज कमाल के हैं, कप्तान भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, बस थोड़ा पैनिक ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, एशिया कप में भारत के ये पांच गुनहगार हैं, यानी मैच के मुजरिम यही पांचों हैं। आपको क्या लगता है, एशिया कप में भारत अगर आज टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, आप किसे उसका जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्रिकेट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।